हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज 18 तारीख है दोस्तों, मतलब 18 नवंबर है, दिन शनिवार है दोस्तों। और आज के दिन लोहर मतलब खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। पहला दिन नहा खाया होता है दोस्तों, जो शुक्रवार 17 तारीख को पिछले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता चुकी थी। तो आज 18 तारीख है, दिन शनिवार, तो आज खरना है दोस्तों। जैसा कि खरना के दिन आप लोगों को पता होगा, अगर छठ होता होगा तो, कि उस दिन मतलब दिन भर मतलब जो व्रत करती है महिलाएं लोग, वो भूखी रहती है। और मतलब शाम के टाइम मतलब 8-7 बजने के करीब मतलब खीर और रोटी बनाकर प्रसाद के रूप में खाती हैं दोस्तों। तो आज वही खरना का दिन है। और ये देखिए दोस्तों, मैं शाम से मतलब ब्लॉग अपना शुरू कर रही हूँ, मतलब संध्या काल हो रहा है। जैसा कि एक तरफ सूर्य पश्चिम की ओर मतलब डूब रहा है, अस्त हो रहा है, और एक तरफ चांद आसमान में निकल चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी, तो उस टाइम मतलब बांस का सिर्फ बंधा हुआ गेट मतलब किया हुआ था। और आज मतलब छठ पूजा का दूसरा दिन है, तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से गेट को डेकोरेट कर दिया गया है। और पूरे रोड दोस्तों, पूरे मतलब गंगा जी के घाट तक पूरे लाइट बल्ब सब उपलब्ध किया गया है, मतलब लगाया गया है व्रत करने वालों के लिए और भी जो लोग जाएंगे सभी के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे तमाम व्रत करने वाली माताओं का हार्दिक नमन करता है और करता रहेगा। जैसा कि दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बिहार राज्य की हूँ और मेरे राज्य में बहुत ही धूमधाम तरीके से छठ पूजा मनाया जाता है। बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है दोस्तों हम लोग के तरफ ये पर्व। तो मतलब हर साल छठ पूजा के अवसर पे दोस्तों मेरे तरफ घर के तरफ प्रसाद को वितरित किया जाता है, मतलब बांटा जाता है श्रद्धालु लोगों के लिए, व्रत किए हुए लोगों के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आज रविवार दी मतलब सुबह 6 बजने का टाइम हो रहा है और मतलब सुबह सुबह ही प्रसाद को बांटा जा रहा है। जैसा कि सांझ के टाइम मतलब अब देखिए दोस्तों, शाम हो गया है, तो मतलब सब लोग घाट की तरफ जाएंगे सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। तो मतलब सुबह प्रसाद बटा दोस्तों, और इस टाइम देखिए सभी लोग अपना प्रसाद ले लेकर जा रहे हैं पूजा करने के लिए गंगा के किनारे घाट पे। जैसा कि दोस्तों, इस मतलब त्यौहार का जितना मतलब प्रशंसा किया जाए उतना कम है दोस्तों। बहुत ही फेमस ये त्यौहार है और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखिए सभी लोग मतलब तैयार होकर जा रही हैं गंगा के किनारे। जैसा कि दोस्तों, मतलब 4 दिन का छठ पूजा होता है, तो पहला दिन नहाखा होता है, दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन सांझ वाला अर्घ मतलब डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद फिर मतलब अर्घ देकर घर लौटा जाता है और सुबह में ही फिर 4-5 बजे के करीब सुबह सुबह भोर के टाइम में फिर गंगा के किनारे जाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी मतलब 20 तारीख दिन सोमवार है और मतलब कि आज सुबह वाला अर्घ है, तो सुबह सुबह मतलब अभी 5 बजने का टाइम हो रहा है दोस्तों। देखिए कि अभी पूरा अंधेरा अंधेरा ही है और सभी लोग गंगा जी के तट पे जा रहे हैं। तो 4 दिन का दोस्तों मेरे तरफ जो छठ पूजा होता है, तो 4 दिन का होता है। ये
ये देखिए दोस्तों कितना सारा लाइट और बल्ब लगाकर पूरा रोशनी किया हुआ है व्रत करने वाले लोगों के लिए और जो उनके साथ जाएंगे उन सभी लोगों के लिए दोस्तों सुविधा मुहैया कराया गया है लाइट को लगाकर और पूरे ही रास्ते को साफ सुथरा और लाइट बल्ब से चकमकाया गया है दोस्तों। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं तो मेरे तरफ छठ पूजा का बहुत ही धूम रहता है। जैसा कि दोस्तों इस बार मैं पहले की भी वीडियो में बता चुकी थी कि भाभी के घर पे होने वाला था बट कुछ कारण से नहीं हुआ है दोस्तों, नहीं तो मैं आप लोगों को हर एक दिन का एक एक वीडियो आप लोगों को दिखाती बट मेरे घर की तरफ पूजा हुआ ही नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों सुबह का अर्घ पड़ जाता है उसके बाद मतलब पूजा संपन्न हो जाता है दोस्तों और उसके बाद प्रसाद को बांटा जाता है। तो जैसा कि मैं पिछली ब्लॉग से आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि मेरे मतलब भगवान में गागल मतलब बड़ा वाला नींबू का पेड़ है, तो छठ पूजा के अवसर पे दोस्तों मतलब जितना नींबू था सब टूट गया है और जो व्रत कर मतलब पूजा करने वाली थी उनके घर पे दे दिया है दोस्तों। एक नींबू मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रख ली हूँ। तो ये देखिए दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बताती थी कि मैं आप लोगों को नींबू बड़ा हो जाएगा जब खाने के लायक हो जाएगा तो आप लोग तो ये देखिए दोस्तों इसका छिलका निकालने के बाद नींबू कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसको ही बड़ा वाला नींबू और गागल बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों छठ पूजा में ये प्रसाद होता है मेन सूप पे रख के अर्घ दिया जाता है। तो कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों बड़ा वाला नींबू। तो ये देखिए दोस्तों मेरे को भाभी की तरफ से मतलब घर की तरफ से प्रसाद मिला है। जैसा कि आप लोगों को बताई थी कि उनके घर पे पूजा नहीं हो रहा है तो उनकी बहू अपने मायके गई हुई है बाबू को साथ लेकर, तो वहीं से प्रसाद आया है दोस्तों। तो भाभी मुझे भी दी हैं छठ पूजा का प्रसाद। तो ये देखिए दोस्तों पूजा किया हुआ प्रसाद ठेकुआ और केला है, जैसा कि बिहार का फेमस ठेकुआ होता है दोस्तों तो वही ठेकुआ है। छठ पूजा में जो ठेकुआ बनता है दोस्तों उसका स्वाद का कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे मतलब और रेगुलर में बनाइएगा तो उतना टेस्टी नहीं होता है बट छठ पूजा का ठेकुआ कुछ अलग ही टेस्ट देता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों। थैंक यू।